आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंदिर पर भंडारा किया। फिरोजाबाद में आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने की खुशी में आम आदमी पार्टी फिरोजाबाद के साथियों ने जिलाध्यक्ष शीलेंद्र वर्मा के नेतृत्व में पसीने वाले हनुमान जी मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रसाद वितरण किया एवं बधाई दी। आप जिलाध्यक्ष ने कहा कि अघोषित आपातकाल में जहां विपक्ष के सभी नेताओं पर एक तरफा कार्यवाही करके भारतीय जनता पार्टी के लोग बिना विपक्ष के चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहीं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बिना कार्य के इस आदेश में सूर्य के किरण की तरह उजाला हुआ है। अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद आम आदमी पार्टी बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन के लोगों को लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम में जिला महासचिव धर्मेंद्र सिंह, जिला संगठन संयोजक राजेश वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। सौराज सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। सर क्या नाम है आपका? मैं शीलेंद्र वर्मा, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी फिरोजाबाद। ये आप सभी साथियों ने क्या कार्यक्रम रखा है यहाँ पे आज? आज आम आदमी पार्टी फिरोजाबाद के साथियों ने हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया है, उनको जमानत दी है, इसकी खुशी में आम आदमी पार्टी फिरोजाबाद के साथियों ने आज अपनी खुशी का इजहार किया है, हनुमान चालीसा का पाठ किया है और प्रसाद वितरण किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये थोड़ी सी अलग जगाई है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को रिहा करके ये दिखाया है कि तानाशाही को ख़त्म किया जा सकता है और तानाशाही का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए केजरीवाल जी मैदान में हैं और वो 2 तारीख तक हमारे जितने भी प्रत्याशी उनका प्रचार प्रसार करें। अपना आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मेंद्र शर्मा है, आम आदमी पार्टी का जिला फिरोजाबाद से। आज यहाँ पर ये क्या कार्यक्रम किया आपने? आज हम सभी आम आदमी पार्टी के सभी सैनिकों ने इकट्ठे होकर के हमारे हनुमान जी महाराज के व्रत रखे थे, शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई को लेकर के वो पूर्ण हुई है और इसी की आराधना को हमने आज पूर्ण करते हुए यहाँ पर प्रसाद और हनुमान चालीसा का पाठ करके उनका धन्यवाद और तानाशाही के खिलाफ लड़ने की शक्ति प्रदान करने की हमने उनसे विनती की है। फिरोजाबाद में अज्ञात